कहाँ जावा थस गोरी वो लकर धकर लकर धकर हम जो गांव में शूटिंग करे पर 200 किलोमीटर दूर है पूरे 200 किलोमीटर तो बिहनिया 4 बजे उठ के हमन 4 बजे तो हमन उठे केवल 3 बजे उठ के हमन वहां गांव जा के मेकअप करके और इतना धूप में मतलब हमन बोले भी थोड़ा आराम कर लो यार थोड़ा आराम कर लो नहीं हमला करना है सर गाना बहुत जानदार लगा थे गाना में जैसे गाना बजते तो हमन के अंदर अलग से ऊर्जा आते और ये गाना जैसे भी हो हमारे सारा तबियत भले खराब हो जाए वो की पूछन जी से बताइस और करिस तो ए मतलब सैल्यूट है मैं एमा ए गाना है डांस पैटर्न में रिसे तो मोला ज्यादा डांस नहीं है और हमर मैडम जो है थोड़ा प्रोफेशनल डांसर है तो मोला थोड़ा डांस में टाइम लगत रही से तो आप गाइड करते थे मैम को कि मैम आपको गाइड मैं मोला गाइड करत रही से ऐसे करो ऐसे करो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारियों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्कर धक्कर की पूरी टीम एंड दिस एपिसोड इज प्रेजेंटेड बाय अमरा म्यूजिक छत्तीसगढ़ तो स्वागत करते हैं लक्कर धक्कर की सुपरस्टार सुमन चौहान का लक्कर धक्कर के सुपरस्टार यो रुद्र राजपूत अब हमारे साथ हैं लक्कर धक्कर के सपोर्ट सिस्टम चंदन दीप जो हैं इस गाने के डायरेक्टर और तामेश्वर देव स्वागत करते हैं द हसलर हमारे साथ हैं अब रुद्र अवसर सर जो इस गाने के प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो स्वागत करते हैं उनका द हसलर सर अब है हमारे साथ लक्कर धक्कर गाने के लिरिसिस्ट अशोक तिवारी सर स्वागत करते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द हसलर शो पे कैसे हैं आप सभी मस्त एकदम बहुत बढ़िया लाइफ कैसी चल रही है सब बने बने चला थे लक्कर धक्कर को अभी यूट्यूब पे 2 मिलियन प्लस व्यूज जा चुके हैं तो कैसा अभी फील हो रहा है आपको आपकी मेहनत जो लक्कर धक्कर सॉन्ग को शूट करने में लगी थी रुद्र सर का मैम का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आप लोगों का बढ़िया था सर एकदम मस्त था अभी तो 3 मिलियन होने वाला है ना तो संगवारी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ मैं हाँ अपना मया दुलार आशीर्वाद मिला थे बहुत अच्छा लगा थे मतलब और ये लकर धकर गीत जब हम मन के बीच में आई जब तामेश के पास ये गीत आई तामेश मतलब सुनाई गाना ला तो जिन दिन गाना सुन वही दिन हमें लगा था इसकी ये गाना हिट है काबर के हिट चीज हमेशा अलग से समझ में आ जाता है हिट चीज है बिल्कुल ये गाना बहुत तकलीफ जनक हम शूटिंग करे हैं भारी गर्मी के महीने में करे हैं बहुत दिक्कत के बाद भी हमारे कलाकार मन हिम्मत निहारिस और बिल्कुल हम मतलब सपोर्ट दिस और गाना मालिक के दया से हमारा म्यूजिक में बहुत जानदार चला थे और लोग मन आज भी डीजे छट्टी अट्टी कहीं में जाता हूँ ये गाना सुनता हूँ और जो एक हुक स्टेप है ओला में जब देखता हूँ लड़का मन लड़का लेके मतलब आधे उम्र के डोकर मन के हुक स्टेप लगा रहा थे वो देख रहा था कि हमार काम हाँ सफल हुआ मेहनत सक्सेसफुल हमार सफल हुआ थे ऐसा लगता है आपका कैसा एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और थोड़ा तकलीफ भी हुआ जो बहुत ज्यादा था आपने शूटिंग कहाँ पे करी थी शूटिंग के टाइम पे आपकी पहले की प्रिपरेशन कैसी होती थी कितना टाइम लगता था क्योंकि ये ऐसा एक मिथ है कि लड़कियों को मेकअप करने में बहुत ज्यादा समय लगता था बीइंग एन एक्ट्रेस आपको कितना समय लगता था नहीं ऐसे तो मेकअप आर्टिस्ट थे वहाँ पे हाँ शूटिंग जो है इनके गांव में होता हाँ हाँ ये आप बढ़िया सवाल पूछे हो
शूटिंग कहाँ करो? हाँ, ये शूटिंग करे पर हम ना जगह के बहुत ऐसे ऐसे जगह चाहिए जहाँ पर खपरी घर मकान देखिए खपरी, और हम रायपुर शहर के आसपास जितना गांव है उस सब गांव में बिल्डिंग बन चुके हैं। तो तामेश भाई यहाँ ये लोकेशन खोजे पर पूरा एक हफ्ता लगा इस। अच्छा, एक हफ्ता अच्छा। ये ओना कोना धमतरी अंतरी यहाँ वहाँ सब जगह जाके फिर अचानक याद आया इसके कर गांव के लोकेशन बहुत जानदार है। वाकई में वो लोकेशन आप जाऊँ ना तो आप लगी कि यार वाकई में ये लोकेशन है। हमारी जो भी ऑडियंस है जिन्होंने लकर दकर के गाने को इतना प्यार दिया है वो देख के ही उन्हें पता चल रहा होगा कि इसके पीछे की जो मेहनत है हमारे जो कलाकार है उन्होंने कितना मेहनत देकर इस गाने को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो कलाकार मतलब मैं तो अभी भी आप मतलब बोलता हूँ आपसे मेहनत अभी मैं मतलब सलाम करता हूँ। हम जो गांव में शूटिंग करे पर 200 किलोमीटर दूर रायपुर 200 किलोमीटर तो बिहनिया 4 बजे उठ के हम चार बजे तो हम उठे एमन 3 बजे उठ के मन वहाँ गांव जाके मेकअप करके और इतना धूप में मतलब हम बोले भी थोड़ा आराम कर लो यार थोड़ा आराम कर लो नहीं हमला करना है सर ये गाना बहुत जानदार लगा थे गाना में जैसे गाना बजते तो हम मन के अंदर में अलग से ऊर्जा आते और ये गाना जैसे भी हो हमारे सारा तबियत भले खराब हो जाए बोल के तू जन जैसे बताइस और करीस तो मतलब सल्यूट है हर चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमने जस्ट इस एपिसोड को स्टार्ट किया है तो क्यों ना एक लकर दकर का स्नैपेट हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए अरे बाप रे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो प्ले द म्यूजिक कोरियोग्राफर सर कर ली हमर कवर की सिखाने वाला बाप रे भाई तो हमेशा करा रहे इतना करा रहे तो ये मां आप मान करो कवर के आप मान जितना अच्छा करो तब जाके ऑडियंस करा मैं तो भुला भी गया सर। तो हो जाए हुक स्टेप गाइस स्टार्ट। कुछ हुक स्टेप हो जाए अच्छे से लकर धकर बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका इसके लिए। तो मैं आगे का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्टर और एक्ट्रेस से इंटरेक्शन करना चाहूँगा जिन्होंने इस गाने में इतनी मेहनत करके इसको बहुत ही जानदार बनाया है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रखते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता था टेक करने में आप या मैम? अब मैं ही लेत रहे हूँ सर काबर कि मैं एमा ए गाना है डांस पैटर्न में रही से तो मोला ज़्यादा डांस नहीं आए और हमारे मैडम जो है थोड़ा प्रोफेशनल डांसर है रे तो मोला थोड़ा डांस में टाइम लगत रही से। तो आप गाइड करते थे मैम को कि मैम आपको गाइड मैं मोला गाइड करा थी से ऐसे करो ऐसे करो। ओके टेक लेने में मतलब आप ज़्यादा समय लेते थे। सबसे ज़्यादा मजाक या फिर क्रिंज कौन करता था शूट के टाइम पे? मस्ती मजाक तो सबो जने सभी करत रहे लेकिन ज्यादातर हमर चंदन सर करत रहा है ओकर लगे चलते सर। बहुत बढ़िया। तो आपका सर आप अपने बारे में बताओ थोड़ा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने को जब कंप्लीट करके गाना अमरा म्यूजिक छत्तीसगढ़ के चैनल पे लॉन्च हो गई तो फिर ऑडियंस का जो प्यार सपोर्ट आप सभी कलाकारों को देखने को मिला उसके बाद कैसा रिएक्शन था आपकी ऑडियंस से? वैसे तो पहले ये गाना शूटिंग से 3 महीना पहले के मेहुल सर मतलब भेज दे रही से हमें सर ये गाना सुनो तो तब सिर्फ वो गाना सुनो बोलते और मुझे कॉल कर देते। तो फिर मैं गाना सुने हो फिर सर ने तुरंत कॉल करे सर गाना तो मतलब ही वाइब है करती गाना में बहुत अच्छा वाइब है और गाना ऐसा लगता है मतलब कि सुपर हिट हुई मतलब गाना सुपर हिट चीज अलग ही समझ आती सुनने से कि ये सुपर हिट है करके। फिर उसके बाद 3 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दी सर कि शूट करने करके। फिर 3 महीना बाद फिर मैं और याद दिलाऊँ सर सर वो गाना बचा है शूट करने के लिए करके तो सर बोले ठीक है लगा दो आपको लगता है तो लगा दो बोले कि चलेगा करके। तो जैसा कि गाइस अभी हमने सुमन चौहान नाम से जो इस गाने की एक्ट्रेस है उनसे बात किया और इन्होंने बताया कि इनके 4 साल का इनका एक लड़का है। तो आप एक फैमिली को भी देख रहे हो आप उधर भी काम करते होगे आपका जो एक 4 साल का क्यूट सा बेबी है आप उसको भी संभालते होगे उसके बाद फिर सेट पे जाके समय देना कैसे सभी चीज़ों को मैनेज कर पाते थे आप?
एक्चुअली में बात ये है कि फैमिली जो है यहाँ नहीं रहती है। हाँ। मैं खरसिया से हूँ, मेरे ससुराल में खरसिया है। हाँ। जी, और मैं यहाँ 3 साल से हूँ, 3 ईयर हो गया। और पहले तो मैं AVM में थी। हाँ, AVM में जो था मेरा एग्रीमेंट था वहाँ 3 ईयर का। उसके बाद मैं वहाँ से निकली हूँ एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद में। हाँ। तो जो है मेरे को अमरा का क्या बोलते हैं गाना मिला जो तानिश भाई मेरे को दिलवाए। जी, और हाँ थोड़ा सा होता है दिक्कत बच्चे को छोड़ के आने में। हाँ, बाकी किरण और करण दोनों जन रहते हैं घर में। हाँ। तो अपने मौसी के साथ में वो रहता है, कंफर्टेबल रहता है। okay. और स्कूल वगैरह भी ज्वाइन करता है वो। ग्रेट। तो तामेश्वर सर से मैं पूछना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था सेट पे? और आपने बोला कि आपके गांव का लोकेशन था, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि गांव के लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आप शूटिंग कर रहे थे? गांव के अपन गांव में शूट करना अलग ही हुआ है, काबर की वहीं पले बड़े हों अभी बड़े हों, फिर वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल जैसे काबर की अजीब लगते हैं, लेकिन फिर भी अपन काम तो काम होते तो काम बहुत अच्छे से करें। और गाँव के भी अच्छा रिएक्शन रही थी, गाँव में पहले कभी कोई गाना शूटिंग नहीं हो रही, मतलब हो रही थी लेकिन उतना नहीं हो रही से। तो ये पहला एक्सपीरियंस गाँव वालों की, इसकी बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और भीड़ के बीच में फिर आर्टिस्ट मतलब काम करना मुश्किल देख सकते, लेकिन मुश्किल के ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ी इस कारण कि गाँव वालों ने भी सपोर्ट करी बहुत ज़्यादा शूटिंग में, और बहुत अच्छा शूट किया, बहुत बढ़िया। इसीलिए वो 3 मिलियन हमारा ये गाना चैनल पे क्रॉस करने वाला है। जैसा कि अभी आपने 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 बताया कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो सबसे ज़्यादा सेट पे फनी है, मजाकिया मियाज के, तो कहाँ से ये 40 वर्ष के उम्र में आप बन गए? आप मन उम्र लगाओ मस्ती करे के मतलब ये नहीं थे कि हम दिन भर 4 बजे उठन, और अगर हम टोटल काम का फोकस करबो तो हम मानसिक रूप से थक जाओ, मतलब काम करना काम, तो मुझे लगता है कि यार काम करते हंसी मजाक करते हो तो अंदर से ऊर्जा आई, अंदर से एकदम मतलब चंचल रही हो तो चेहरे में वो ताजगी दिखी। और काम में अगर प्रेशर डालो काम करना है काम करना है काम करना है, चेहरे काम पे मतलब वो फेस से एक्सप्रेशन भी कलाकार मन के वो ऐसे टाइप के हंसी मजाक हुई, तो कलाकार मन के फेस के एक्सप्रेशन हुए और डांसर मन में भी ऊर्जा रही, तो ऐसा सत्य हंसी मजाक कर रही था, और जिंदगी में हंसी मजाक कर ही काम करना चाहिए वो सोच। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो करते हैं हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। हाँ, एंजॉय कर अपन काम ना एंजॉय कर। हाँ सर, जैसा कि अभी हमें सुनने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ सिनेमा जो है वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर ऐसा क्यों है? ऐसे ये कर रहे हैं कि ना कि जैसे आप हिंदी में बोला था मैं छत्तीसगढ़ी बोला था, तो हमें छत्तीसगढ़ी भाई मन खुद अपन आप छत्तीसगढ़ी बोली कहे मैं शर्मा थे। हाँ। तो जे भी हम छत्तीसगढ़ी भाई मन छत्तीसगढ़ी बोली छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी पोशाक ला एक्सेप्ट करी पहनी वो शब्द ला बोली। हाँ। और जहाँ भी जाए तो छत्तीसगढ़ी में उठाए, तो मन अगर जब अपन चीज ला ग्रहण करे तो अपन पिक्चर ला भी ग्रहण करे। बिल्कुल, आप देखो कि हमारे छत्तीसगढ़ी गाना हिट होती डीजे में बस थे सब जगह पर, गीत संगीत एंजॉय कर रहे थे ना, लेकिन वो फिल्म वाला एंजॉय काबर नहीं करता कि मन लग रहा है छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं, अपन जाओ छत्तीसगढ़ पिक्चर देखो तो अपन समझ में आएगी छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ी टाइप पे नहीं बनाते। आप मन जिससे देखा तो जैसे आप अल्लू अर्जुन को देखा तो जैसे आप सलमान खान को देखा तो वैसे अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म बनना चालू हो गई है, तो आप जाके देखो फिर आप निर्णय लो कि हम छत्तीसगढ़ी फिल्म का बन चला। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारे 2024 की जो टॉप 100 की जो मूवी है जो लिस्ट है उसमें छत्तीसगढ़ सिनेमा टॉप 100 के अंदर है, और ये इतने रेगुलर अभी बहुत सारे हिंदी फिल्म लग रही है। हाँ, तब भी हमारे 100 फिल्म जो रही छत्तीसगढ़ फिल्म है। हाँ, वो मॉल से लेके सिनेमा घर में जो भी है हॉस्पिटल एक मतलब हमारे छत्तीसगढ़ दस्तक है, फिर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि वो मैं खुद नहीं चाहूँ कि देखे बन नहीं जाऊँ, निर्मल गलती नहीं है हमारी फिल्म बनाई है, मतलब अगर अच्छा कंटेंट नहीं तो सब जन जाएगी जैसे कि लकर धकर गीत है, अच्छा कंटेंट है अच्छा गीत संगीत है अच्छा वीडियोग्राफी है अच्छा कोरियोग्राफी है अच्छा कलाकार है चला थी। बिल्कुल, अब वही मेरे ये कलाकार में जगह में हम कोई ले लेते हैं, वही मैं कोई भी गायक का किसने भी गा देती कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर किसी बजा देती तो आप मन भी वाला सुनते हैं। बिल्कुल नहीं, तो अच्छा कंटेंट हुई तो हर कोई वो एक्सेप्ट करे, तो इसने है कि अच्छा कंटेंट आई तो फिर मतलब आत्मन देखे मर चाहिए, तो बस वही है कि सब कुछ अच्छा हुई तब हिट हो सकती है। ओके, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे है, छत्तीसगढ़ सिनेमा की दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान किंग कौन है? छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कुछ मैं देखा ही नहीं हूँ, पर अभी एक दीपक साउ करके वो काफी अच्छा मान कुरेशी है हमारे शाहरुख खान के तौर पे, मान कुरेशी सर संजय से। और हीरोइन के लिए तो क्या नाम है इच्छा जायसवाल, हाँ अभी उभरती सितारा है अभी। और एक और है नाम याद नहीं आ रहा, तो क्या नाम है आपका हीरोइन के? ओके बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं ढेंचक सीरीज का राउंड टू। राउंड टू के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ गानों के का उच्चारण करूंगा उसके कुछ शब्दों के साथ, और आप लोगों को उस गाने को गैस करना है छत्तीसगढ़िया सॉन्ग में से कौन सा गाना है। तो स्टार्ट करते हैं रुद्र सर के साथ। मनमा बस के दिलमा उतर के बोला दीवाना बनाए रे, मनमा बस। और यहाँ पे एक चैलेंज भी है इस गाने के साथ, अगर जो आप इस गाने का सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो ये ट्रूथ एंड डेयर रहेगा, आपको ट्रूथ या डेयर में से कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट करूंगा, मनमा बस के दिलमा उतर के मोला दीवाना बनाए रे, मनमा बस के दिल मा उतर के मोल दीवाना बनाए, गजरारी अब चलते हैं सुमन चौहान की ओर। तो आपका गाना है माया बढ़ा के झंझोर देवे सपना सुखर सजा के, झोर देवे बहुत छोड़ देवे, हाँ माया बढ़ा के झंझोर देवे सपना सुखर सजा के, आपको आगे का गाना गाना है। सपना सुखर सजा के तोरा बना के, बहुत बहुत लगता है ट्रूथ एंड डेयर में कोई फंसने नहीं वाले हैं। ओके तो अब बढ़ते हैं आपकी ओर। सूरज जशन तोरे चमक दे दिन खिला राती मोर, सजते देख तो राती सपना, सूरज जशन तोरे चमक दे दिन खिला राती मोर, सजते देख तो राती सपना, ट्रूथ एंड डेयर। सूरज जशन तोरे चमक दे दिन खिला राती मोर, सजते देख तो राती सपना, सपना था राती और सपना कहाँ था वाले दिन बात करो लटमाट का एक बात करो टाइम ऑफ ट्रूथ एंड डेयर। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए आप क्या लेना पसंद करोगे ट्रूथ एंड डेयर में? ट्रूथ। ओके तो आपका प्रश्न है, सीक्रेट हो सकता है, आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा इसका, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? गर्लफ्रेंड तो वैसे दो साल नहीं, दो साल पहले जोरी जोरी से, अभी प्रेजेंट में कोई नहीं है, अभी सिर्फ फोकस काम में, फोकस काम पे है। कैमरा इज माय गर्लफ्रेंड। कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं आपकी? तो देखो सच बताने लगी भी आप। और जो प्रेजेंट में है उनको क्या कहते हो कि बस तुम ही हो? ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो डायरेक्टर साहब की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, छोड़ दे वो गोरी तोहा पहल के बात ला दागानी करो अब की बार, फिर से ठीक है, छोड़ दे वो गोरी तोहा पहल के बातला दगानी अब की बार,
की बात ला करो एक्टर कौन थे गाने के एक्टर कौन थे इस गाने के कोसा के सारी लेकिन मेरा क्या हाँ मेरा गाना सही आपके गाने का नाम था तोर सूरत मां तोर सूरतम ओके तो ये था हमारा गेम सेगमेंट राउंड टू का अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम अपने लक्कर दक्कर गाने की स्टोरी की ओर तो अभी तुरंत हमारे साथ ज्वाइन किए हैं लिरिसिस्ट जो इस गाने के हैं तो सर आपका गाने के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कॉमन शब्द है के लोग हर समय इस्तेमाल करते हैं लकर धकर कहाँ जाता है मतलब लकर धकर जाना है तो जिन कामन शब्द है अगर जनतक बीच गीत के माध्यम से लाया जाए ये सोच माइस गीत बनाया जाए और सबसे बड़ा बात ये गीत बनाना अलग विषय है अगर वो लोग कोरियोग्राफी हो जाए जनता के जैसे मन होते फुगड़ी जिसे बता रहे हैं कि फुगड़ी करना हो सुबह चावल करना कोसना झुलाना जहुआ टुकनी और जिस तरह से काम करे है और जिस तरह से दोनों हीरो हीरोइन काम करे नो डाउट ये गाना से ज्यादा इधर मेहनत का पिकअप होगा लखर दकर का कोई एक ऐसा लाइन जो आप बहुत अपने आप से कनेक्ट करते हैं बिल्कुल बिल्कुल कौन सा आप गाना चाहोगे उसे जल्दी जल्दी वो समय आदमी ये सोचे कि क्या करना है किसे करना है अक्सर हम सबरी उठ जाते हैं कहा जाते हैं लकर धकर लेकिन हम कभी अगर गीत के माध्यम से या ऐसा यूज नहीं कर पा रहे कहा जाओ था बोली तो लड़की भी बोलते है क्या बताओ मैं तो मन में ये बहुत बड़े बात है गीत जब मैं करा रहा हूँ लगा थी अशोक भैया के कोई लवर अवर मिले वो आए के बाद तो हर गाना में घुसे पड़ते तब जाके उधर सिचुएशन बनते तब जाके बात निकलते और सबसे हिट बात जैसे बताया आप लोग कि जब सरल शब्द हो जाते ले जाऊ तो बना के दुल्हन सोलह सजाए कोई भी सामान्य आदमी बोल सकते कोई जब टच होते पब्लिक के साथ तब वो गाना हिट होते तब वो गाना लोगों को पसंद करते बिल्कुल बिल्कुल सर तो ये था हमारा राउंड टू अब चलते हैं राउंड थ्री की ओर जो थोड़ा सा फनी होगा और इस राउंड थ्री का नाम है बॉलीवुड विद छत्तीसगढ़ तड़का बॉलीवुड विद छत्तीसगढ़ तड़का सबसे पहला प्रश्न है सुमन चौहान से तो हम सब ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी जो कि बहुत ही आइकॉनिक मूवी है वो देखी है उसका एक बहुत ही आइकॉनिक सीन था वो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी तो अगर ये मूवी छत्तीसगढ़ में बनी होती और छत्तीसगढ़ में शूट होती तो ये डायलॉग आप कैसे बोलते रुद्रा सर को रुद्रा सर सिमरन है आपके लिए जा सिमरन जा जी ले अपनी जा रुद्रा जा जिले अपनी जिंदगी वैसे ही तो आएगा जा रे होगा जा जिले अपन जिंदगी जा रुद्रा जा जिले अपन जिंदगी दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ तड़का का रुद्रा सर के साथ कि बॉलीवुड का एक बहुत ही जयकांत सिग्रे का डायलॉग है बहुत ही फेमस है और वो डायलॉग है आटा मांझी सा टकली
मुर्दी माँ खराब हो गई मोर मुड़िया मोर मुड़िया मत भड़का मोर आटा माटी सटकली मोर मुड़ी ला झार भड़का आपको रेप्लिकेट करना है इसको भाई आप छत्तीसगढ़िया में कैसे करोगे इसको मोर दिमाग जान खराब सही बोलते हैं वही तो बोल सर का सर आपको करके दिखाना है एक्टिंग करना अच्छा एक्टिंग करनी है मोर दिमाग ला सर का जानते हैं ऐसे बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न है हमारा हमारे बहुत ही जॉली डायरेक्टर साहब से। तो डायरेक्टर साहब आपका है प्रश्न, एक मूवी है ओम शांति ओम और उसकी एक डायलॉग है एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश का। अगर ये डायलॉग छत्तीसगढ़ में बोला जाता, छत्तीसगढ़ की मूवी बनी होती उस डायलॉग के ऊपर, तो आप कैसे बोलते उसको? पत्ता कन सिंदूर की कीमत तय का जान दे का अगला प्रश्न है हमारे लिरिसिस्ट साहब से और ये है करीना कपूर को आप जानते होंगे, उनकी एक डायलॉग मिले नहीं अनिकृति चौहान की बात करते हैं करीना कपूर चौहान उसका एक डायलॉग है तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है मेरे पास माँ बाप का प्यार है। अगर ये मूवी छत्तीसगढ़ ये डायलॉग छत्तीसगढ़ में बोली जाती तो कैसे होती? सुर में चल रहे ठंडी हवा है लेकिन मुर में ताई हवा है। तो ये था हमारा राउंड थ्री का गेम बॉलीवुड विद छत्तीसगढ़ का हमारे लखन धनखड़ के कलाकारों के साथ। और थ्रू ऑल दिस पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता को लक्कर धक्कर के इन कलाकारों के साथ जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस गाने को इतना सक्सेसफुल बनाया YouTube पे, आप लोग इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार देंगे। तो अब बढ़ते हैं ढिंचक सीरीज के सबसे आखिरी राउंड की ओर जो कि हमारे कलाकारों के लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो सकता है। तो स्टार्ट करें, आप लोग रेडी है लास्ट राउंड के लिए? जी सर, जी सर। ओके, तो इस राउंड का रूल बहुत ही सिंपल है, हमारे पास कुछ कार्ड्स अवेलेबल है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस हैं और उसके नाम लिखे हुए हैं। एक किसी को मैं कार्ड्स दूंगा जिसे इस कार्ड्स को देखना नहीं है और सामने वाले को उसको एक्ट करके उसे समझाना है, ठीक है? और सामने वाला पर्सन उसको गेस करना है कि इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट है या फिर क्या है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने आखिरी राउंड को रुद्रा सर के साथ। तो आपको देखना नहीं है, रूल इज वेरी सिंपल, नो चीटिंग अलाउड। ओके सर। और आप लोगों को भी कोई हिंट नहीं करना है, ठीक? हाँ, आप देख लो। Close up. Start. Yes, on. Monkey? Yes. Yeah. Oh, yeah. 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 Vendra. Yes. Vendra. तो अब चलते हैं सुमन चौहान नाम की ओर। मैं इनको कार्ड्स दूंगा और हमारे डायरेक्टर साहब को मिमिक करके बताना है और सुमन चौहान नाम को गेस करना है। मतलब तो जानता भी नहीं हूँ। मतलब जानता तो इधर बता पाता। चेंज कर देगा? चेंज। हाँ। नहीं जानता ना उसके बारे में कैसे बता? ठीक। और उसको बता भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ। सचिन छत्तीसगढ़
वो सही था, वो सही था। और मंगात खोजो धोनी अभी राइट विराट धोनी बोला हां धोनी बोला तो अब हमारे पास दो कार्ड्स अवेलेबल हैं और बढ़ते हैं अब हमारे पास दो कार्ड्स अवेलेबल हैं और बढ़ते हैं अब अपने लकर दकर के अगले आर्टिस्ट की ओर। तो मैं कार्ड्स सर के सर पे रखता हूं और आपको मिमिक करके बताना है और सर को गेस करना है। ठीक है, क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लेता है ऐसा ले यार चल आओ वही लंबा और लौकी अरे वाह अब बढ़ते हैं अपने राउंड के ढिंचक सीरीज के लास्ट राउंड के लास्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें हमारे डायरेक्टर साहब को मिमिक करना होगा और हमारे रुद्र भैया उसको आप अपनी आंखें बंद कर लें। काला चश्मा है मुंह से बोलना है या एक्टिंग करके बताना है? हमारे डायरेक्टर साहब फंस चुके हैं यहाँ पे। मुझे बोलूँ तो आसान हो जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन तो नहीं जैसे ने बता रहा हूँ। लेकिन हमारा अमिताभ बच्चन। हाँ हाँ। आपको बोलना नहीं है। आप अपनी बात हाँ। मुझे नहीं बोलना बस। नहीं। एक्टिंग करके ही बताना है। एक्टिंग करनी है। एक्टिंग बात। नहीं नहीं अलाउड नहीं है, रूल्स नहीं है गेम्स के। आपको एक्ट करना है या फिर आप छत्तीसगढ़िया के कल्चर से रिलेटेड कुछ हाँ। बता सकते हो? हाँ, वही इसने इसने हाँ। गेम्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। इसने हमारे विधायक महोदय है वहाँ मस्त कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर हिटार पहली सुपर हिटार हेलो सर तो लक्कर धक्कर के कलाकारों के साथ हमारा ढिंचक सीरीज का पहला एपिसोड बहुत ही शानदार रहा और एक चीज मैं छत्तीसगढ़ कल्चर को लेकर ऐड करना चाहूंगा। जैसे कोई भी यहाँ से बाहर, छत्तीसगढ़ एक एजुकेशन का हब बन चुका है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं बहुत ही अलग अलग स्टेट से। तो छत्तीसगढ़ के एजुकेशन सिस्टम में एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि उन्हें छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज, जो कि बहुत ही एक स्वीट लैंग्वेज है, उन्हें कैसे बोलना है ये सिखाया जाए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में, ताकि यहाँ पे जो भी नए आ रहे हैं वो यहाँ की कल्चर को, यहाँ के लोगों को अच्छे से समझ पाए। बस ये रिक्वेस्ट होगा हमारी ऑडियंस को या फिर वो अपने आसपास के लोगों को सजेस्ट करें, छत्तीसगढ़ के बारे में बताएं, छत्तीसगढ़ की इतिहास के बारे में बताएं। छत्तीसगढ़ में एडवेंचर का एक बहुत ही बड़ा स्कोप अभी ओपन हुआ है, तो आप छत्तीसगढ़ की चीज़ों को जितना हो सके लोगों को बताएं, छत्तीसगढ़ सिनेमा के बारे में बताएं, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के बारे में बताएं और
इस एपिसोड को जितना ज्यादा प्यार हो सके लक्कर धक्कर के कलाकारों की मेहनत को देखकर सपोर्ट कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का हमारे ढिंचक सीरीज द हसलर शो पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक बार साथ में करते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अब आप सबों के लिए एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि आप छत्तीसगढ़ गाने का, छत्तीसगढ़ सिनेमा का कोई एक रीसेंट सॉन्ग पिक करिए, व्हाई नॉट लक्कर धक्कर, तो लक्कर धक्कर के गाने का एक छोटा सा ताल हो जाए बिल्कुल हमारे कलाकारों के साथ द हसलर शो पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूँ लीड को, आप लोग को साथ देना है, कोरस को करना है, ठीक है। कहाँ जावा थस गोरी वो लकर धकर, लकर धकर, जावा थस गोरी वो लकर धकर, लकर धकर, अब बताओ मैं तोला मनवा है डर, मनवा है डर, ले जाना मोगरा डोली सजा के, ले जाना मोगरा भंवर पर आके, डोली सजा के अपन घर, अपन घर, कहाँ जावा बताओ मैं तोला मनवा है डर, मनवा है डर।